हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विधि जैन। बीमारी में अक्सर हम कैप्सूल्स लेते ही है और इन कैप्सूल्स लेते वक्त हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि आखिर ये प्लास्टिक जैसा क्या है और अगर ये प्लास्टिक है तो ये हमारे शरीर में किस तरह से घुल जाता है। आइए जानते हैं कि ये प्लास्टिक हमारे शरीर में घुलने के साथ साथ किस तरह से हमें चुटकियों में ठीक करता है। कैप्सूल अपने आप में दवा नहीं होती है, ये एक तरीके की डिब्बी है। इतना आप जानते ही है कि दवा अंदर होती है। अब जानिए कैप्सूल यानी कि इस दवा के ऊपर वाला छिलका किससे बनता है। सॉफ्ट कैप्सूल, नाम की तरह ही ये सॉफ्ट होती है, ये एक तरह का जेल होता है। दवा इस जेल के लेयर के अंदर होती है और ये जेल कई तरह से बन सकता है, लेकिन आमतौर पर कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल होता है। कॉड मछली की एक प्रजाति है। हार्ट जिलेटिन कैप्सूल, यही वो कैप्सूल है जो लोगों को कंफ्यूज करता है कि वो शायद प्लास्टिक खा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस कैप्सूल में लगने वाला मटेरियल जिलेटिन होता है, जो एक तरीके का पॉलीमर ही है। जिलेटिन वो प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है, लेकिन कैप्सूल में काम आने वाला प्रोटीन जानवरों के शरीर से बनता है। आपको बता दें कि मरने के बाद जानवरों की हड्डियों और चमड़ी को डिहाइड्रेट करने पर जिलेटिन मिलता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये वो सॉफ्ट कैप्सूल होते हैं जिसमें जेल के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। मीट और बीफ के कारखानों में हड्डियां और चमड़ी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकाली जाती है, इसलिए जिलेटिन के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता होता है। वेज कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पूरी तरह से सुरक्षित होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एनिमल प्रोटीन होने की वजह से ये कैप्सूल उतना स्टेबल नहीं रहता। इसकी जगह HPMC को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये HPMC सेल्यूलोस पेड़ पौधों में पाया जाता है। HPMC कैप्सूल जिलेटिन वाले कैप्सूल के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगा होता है। इन्हें बनाने की तकनीक सबके पास नहीं है और फिलहाल इनका बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू ही हुआ है। ये वो जानकारी थी जिसे जानकर शायद आपको अब कैप्सूल लेते वक्त घिन आ जाए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिना दवाई के ठीक होना संभव नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए newstracklive.com और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।